नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। और खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी ने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के शुभारंभ समारोह की तैयारियों का लिया जायजा। अनुसूचित जाति कल्याण राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य ने की मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा। और कृषि उत्पादन आयुक्त पीसी मीणा की अध्यक्षता में हुई मंत्रालय में परख वीडियो कॉन्फ्रेंस। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह 20 अगस्त को मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में चयनित विद्यार्थियों को भोपाल में लाल परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में स्वीकृति पत्र प्रदान करेंगे। समारोह दोपहर 12 बजे से होगा। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी ने आज लाल परेड ग्राउंड पहुंचकर समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों को अगले साल राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण अकादमी में भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बच्चों को एकल खेल जैसे तीरंदाजी, तैराकी आदि के लिए प्रशिक्षित किया जाए। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य ने ये निर्देश विभागीय समीक्षा के दौरान दिए। बैठक में प्रमुख सचिव SN मिश्रा, आयुक्त दीपाली रस्तोगी और आदिवासी वित्त विकास निगम की संचालक रेणु तिवारी उपस्थित थीं। पुरातत्व आयुक्त अनुपम राजन ने आज भोपाल में श्यामला हिल्स स्थित राज्य पुरातत्व संग्रहालय में स्वतंत्रता आंदोलन के दुर्लभ अभिलेख और छायाचित्रों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य आम जनता, छात्रों और शोधार्थियों को स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश से संबंधित गतिविधियों की जानकारी देना है। सभी लोगों के लिए 17 से 24 अगस्त तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में प्रवेश निःशुल्क है। कृषि उत्पादन आयुक्त पीसी मीणा की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में परख वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंस में आयुक्त ने कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि खाद की कालाबाजारी रोकने और खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाओं के अमानक नमूनों पर सख्त कार्रवाई की जाए, दोषी कंपनियों के लाइसेंस निलंबित करें और आवश्यकता पड़ने पर FIR भी दर्ज करवाएं। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।